hello everyone welcome to practice mock today we are going to have a look at some error detection questions for sbipo and ibps po exams uh, the type of question we are going to have a look today is look at today is uh, is is a question in which three sentences are given and which all of the, all of all the sentences are based on on a same on the same theme so three sentences are given and and these revolve around the same theme or idea. So we have to select th those sentences which are grammatically and meaningfully correct. So we have to select those sentences which are grammatically and meaningfully correct. Incorrect sentences nahi donne. So question one with three sentences given. Hai. The first one is Asia Pacific is home to some of the world's most beloved travel destinations. From the natural beauty of Bali to the urban buzz of Singapore. Asia Pacific is home to some of the world's most beloved travel destinations. This much is correct. From the, uh, from the natural beauty of Bali to the urban buzz of Singapore. Uh, this sentence is grammatically correct. Second is, but with destinations like China and Japan comparatively slow to adopt COVID restrictions. एयर ट्रेवल इन एशिया पैसेफिक रिमेन स्लो सो बट विद डेस्टिनेशंस लाइक चाइना एंड जापैन चाइना और जापैन क्या हुआ उनके साथ दे आर कंपेरेटिवली स्लो टू दिस इज़ करेक्ट वो किस चीज़ में स्लो है टू ड्रॉप कोविड रेस्ट्रिक्शन सो चाइना एंड जापैन वो उन्होंने कोविड रेस्ट्रिक्शंस नहीं लोअर कि ड्रॉप नहीं कि और इसकी वजह से क्या हुआ एयर ट्रैवल इन एशिया पैसेफिक रिमेन स्लो सो दिस इज़ करेक्ट

कि एक नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एशिया पैसेफिक जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रैवल रीजन नहीं होगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और उससे क्या होगा सीडिंग द टाइटल्स टू यूरोप अब यहाँ पे टाइटल क्या है टाइटल इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रैवल रीजन सो दिस इज़ द टाइटल और ये टाइटल किसको किसके पास चला जाएगा यूरोप यूरोप के पास सो so, uh, यहाँ पे टाइटल्स इज़ करेक्ट बिकॉज यहां पर एक टाइटल की बात हो रही है टाइटलर होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर सी टाइटल टू यूरोप सो थर्ड इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वन एंड टू आर ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर शुड बी बी वन एंड टू

ल्टीमेट थ्रेटनिंग ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम सो उससे क्या होता है वो ह्यूमन uh, हेल्थ uh, को और इकोसिस्टम्स को थ्रेटन करती है इनडेंजर्स ह्यूमन हेल्थ सो यहाँ पे थ्रेटनिंग इज 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 अ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब और यहाँ पर क्या होना चाहिए देर शुड बी एन एड वर्ब विच शुड मॉडिफाइ दिन वर्ब थ्रेटनिंग तो यहाँ अल्टीमेट अल्टीमेट इज एन एडजेक्टिव वो इनकरेक्ट है

एक्टिव वॉइस में है आर्क्योलॉजिस्ट हैर्करी एट आर्लॉजिकल साइट इन मैक्सिको सो यहाँ हैव बीन फाउंड इज़ यूज इन पैसिव वॉयस बट ये जो सेंटेंस है दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉयस तो यहाँ क्या होना चाहिए इट शुड बी हैव बीन फाइंडिंग ओके हैव बीन फाउंड इज यूज इन पैसिव वॉइस एंड हैव बीन फाइंडिंग इज यूज इन एक्टिव वॉइस इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस तो यहाँ पर फाउंड की जगह होना चाहिए फाइंडिंग सो टू इज ऑल्सो क्रोमैटिकली इनकर द थर्ड सेंटेंस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म रिपोर्टेड इज सिनाबार तो मर्करी की जो सबसे कॉमन फॉर्म है इट इज सिनाबार और उसके बारे में फर्दर वो बता रहा है कि अब सिनाबार कैसा है अब्राइट रेड मिनरल यूज एक्सटेंसिवली बाय द एंशियन मायंस फॉर डेकोरेशन क्राफ्ट एंड रिचुअल परपजिज तो उसे यूज किया जाता है एक्सटेंसिवली मीन्स एट अ लार्ज स्केल बहुत ज्यादा यूज करते थे एंशियन मायंस किस लिए यूज करते थे फॉर डेकोरेशन क्राफ्ट एंड रिचुअल पर्पजेस। सो दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट सो द आंसर इज ओनली थ्री ओनली थ्री इज ग्रामेटिकली करेक्ट द फर्स्ट सेंटेंस से फर्स्ट सेंटेंस इज द विज इज ने Against the Andes mountains in a vast landscape that is rich in biodiversity, but modernity is quickly encroaching. Jo, uh, village is located a nestled means it is uh, placed, placed somewhere to wo kaha located it is located in the nestled against or located in the Andes mountains in a vast landscape. vast means a large landscape that is rich in biodiversity. ओके बट मॉडर्निटी इज क्विकली एंक्रोचिंग तो एंक्रोच मीन्स इंक्लूड करना कहीं पे किसी जगह को इ लिगली कैप्चर करना इंक्लूड करना तो हेयर यहाँ पर क्या हो रहा है मॉडर्निटी इज़ एंक्रोचिंग ऑन वॉट इट इज़ एंक्रोचिंग ऑन दैट लैंडस्केप विच इज़ रिच इन बायोडावर्सिटी सो दिस सेंटेंस इज क्रमेटिकली करेक्ट द बिगेस्ट सेकेंड सेंटेंस इज द बिगेस्ट रिस्क आर टू द आइसोलेटेड एंड नोमैडिक इंडिजिनस पीपल हुम रोम द सो so, सबसे ज्यादा बिगेस्ट रिस्क किसकी है आइसोलेटेड एंड नोमैडिक इंडिजनस पीपल के लिए है हुम रोम हु एंड हुम हु इज हु इज़ अ रिलेटिव प्रोनाव ओके बट हुम किस के लिए यूज़ होगा हुम यूज हो वी यूज होम एज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑफ अ प्रपोजिशन या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब पर यहाँ पे इट इज़ नॉट बींग यूज एज एन ऑब्जेक्ट ना ही यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ना ही किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यहाँ इट इट यहाँ होना चाहिए हु वाई बिकॉज इट इज रेफरिंग टू पीपल इंडिजिनस पीपल हु रोम द एरिया तो यहाँ इट्स इट शुड फॉर्म द सब्जेक्ट और वो हु इज रेफरिंग टू पीपल सो हुम इज इन करेक्ट हेयर देयर शुड बी हु रोम इन दी हु रोम द एरिया सो सेकेंड इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट थर्ड सेंटेंस इज एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट शुड भी कुड भी डिजास्टर्स फॉर दिज पीपल हु लैक इम्यूनोलॉजिकल डिफेंसिस अगेंस्ट मॉडर्न डिसीज कोई भी एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट इन जो नोमैटिक इंडिजिनियस पीपल है उनके साथ कोई भी टाइप का कॉन्टेक्ट है इट वुड भी डिजास्टर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा फॉर दीस पीपल एंड दीज पीपल लैक immunological defenses against modern diseases, nomadic people they do not have immunity against modern diseases here who is, who is who has been used correctly who is referring to the people indigenous people so 1 and 3 should be our answer and uh, it is B 1 and 3 uh, the next question द फर्स्ट सेंटेंस इज रिसर्च शोज दैट पीपल मे नॉट ट्रूली नो द इम्पैक्ट दैट इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ काइंड एक्ट्स कैन हैव ऑन अनादर पर्सन रिसर्च क्या शो करती है दैट पीपल मे नॉट ट्रूली नो पीपल लोगों को नहीं पता चलता या पता चलेगा कभी ट्रूली नो द इम्पैक्ट दैट इवन द स्मॉलेस्ट काइंड स्मॉलेस्ट ऑफ काइंड एक्ट्स छोटे से छोटे काइंड एक्ट्स भी इम्पैक्ट कर सकते हैं दूसरे पर्सन को दे कैन हैव इम्पैक्ट on another person so this sentence is grammatically correct uh, second sentence says our inner critic makes us second guess our actions and underestimate the beneficial effect we can have on others our inner critic makes us second guess our inner critic yaha, the subject is our inner critic a critical voice which which makes us second guess second guess means Uh, किसी चीज के बारे में दोबारा सोचना तो इट जो इनर क्रिटिक है इट मेक्स अ सेकेंड गैस अब किसके बारे में सेकेंड गैस रहे हो कहता है आवर एक्शंस एंड अंडर एस्टिमेट बेनिफिशियल इफेक्ट वी हैव ऑन अदर्स यहाँ पे अंडर एस्टिमेट करेक्ट है इनकरेक्ट है इट इज करेक्ट यहाँ सेकेंड गैस इज यूज एज अ वर्ब इट मेक्स अस सेकेंड गैस आर एक्शंस एंड अंडर एस्टिमेट बेनिफिशियल तो यहाँ पे Uh, ये सेकेंड गेस एंड अंडर एस्टिमेट देश शुड बी पैल इन फॉर्म तो यहाँ सेकेंड गेस बेस फॉर्म में है एंड अंडर एस्टिमेट इज ऑल्सो इन बेस फॉर्म तो ये करेक्ट है दोनों का यूसेज आर एक्शंस एंड अंडर एस्टिमेट बेनिफिशियल इफेक्ट वी कैन हैव ऑन अदर्स सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट इफ हाउ वी फील अबाउट आवर सेल्व्स आर नाट सो ग्रेट वी मे प्रोजेक्ट दैट फीलिंग ऑन टू अदर्स एंड होल्ड आवर सेल्व्स बैक इफ हाउ वी फील अबाउट आर सेल्स जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं इफ हाउ वी फील फील अबाउट अबाउट आवर सेल्स आर नॉट सो ग्रेट यहाँ पे हाउ वी फील ओकेट इज समथिंग वी फील सो दब्जेक्ट इज सिंगुलर हाउ वी फील अबाउट आर सेल्स आर इज नॉट करेक्ट है आर करेक्ट नहीं है बिकॉज आर इज़ यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट्स तो यहाँ की यहाँ आर की जगह क्या होना चाहिए इट शुड बी ज इफ वट वी फील अबाउट आवर सेल्स इज नॉट सो ग्रेट जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो इतना अच्छा नहीं है वी मे प्रोजेक्ट दैट फीलिंग हम वही फीलिंग दूसरों पर प्रोजेक्ट uh, कर सकते हैं प्रोजेक्ट दैट फीलिंग ऑन टू अदर्स एंड होल्ड आर सेल्स पैक और अपने आप को वी मे रिस्ट्रिक्ट आर सेल्स सो थर्ड इज इन करेक्ट सो द आंसर शुड भी वन एंड टू बी ओके दिस शुड भी वन एंड थ्री सो वन एंड टू इज द

एक सिंबल और कोई डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम तो ये दोनों चीज़ें किसी भी इमपार्शल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के हॉलमार्क्स हैं यानी उसके सिंबल्स हैं तो दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट सेकेंड सेंटेंस इज बाय परमिशन लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ हियरिंग्स द कोर्ट हैज ओपनड इट्सल्फ टू वाइडर पब्लिक स्क्रूटनी दे आर बाई इंस्पायरिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस तो क्या हुआ कोर्ट ने क्या किया लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ हियरिंग्स जो कोर्ट में हियरिंग्स होती हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग अलाउ की जिससे द कोर्ट हैज़ ओपन इट सेल्फ टू वाइडर पब्लिक स्क्रूटनी जिससे पब्लिक स्क्रूटनी स्क्रूटनी मीन्स एनालिसिस ऑन इन्वेस्टिगेशन सो जो और क्रिटिसिज्म तो लोग जो हैं वो कोर्ट को ज़्यादा क्रिटिसाइज uh, या उसको उसको ज़्यादा इन्वेस्टिगेट इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे उसके वर्किंग्स को समझ पाएंगे देयर बाय इंस्पायरिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इससे क्या होगा जो पब्लिक है उसका कॉन्फिडेंस और इंक्रीज होगा जुडिशल सिस्टम में सो so, यहाँ पे परमिशन बाय परमिशन लाइव स्ट्रीमिंग अब वी यहाँ यहाँ जो कोर्ट है वो इट इज़ अलाउिंग लाइव स्ट्रीमिंग ठीक है किसी जी इसको अलाउ कर रही है वी नीड अ एक्शन वर्ड यानी वी नीड अ वर्ब हेयर टू जो कन्वे करें कि कोर्ट ने द कोर्ट हैज अलाउड लाइव स्ट्रीमिंग सो परमिशन इज इनकरेक्ट परमिशन इज अनाउन वो इनकरेक्ट है उसकी जगह होना चाहिए बाय परमिटिंग बाय परमिटिंग लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ हियरिंग्स द कोर्ट हैज ओपन इट्स टू वाइडर पब्लिक स्क्रूटनी सो द सेकेंड सेंटेंस इज इनकरेक्ट थर्ड सेंटेंस इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग वॉज नॉट एन ईजी डिसीजन जो जो लाइव स्ट्रीमिंग डिस्कस हुई है सेकेंड सेंटेंस में वॉज नॉट एन ईजी डिसीजन वो ईजी डिसीजन नहीं था एज इट वॉज फ्रॉड विद टेक्निकल प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी इशूज़ इट वॉज़ फ्रॉड वर्ट डज़ फ्रॉड मीन फ्रॉड नेगेटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को कन्वे करने के लिए जब uh, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई अनप्लेजेंट चीज़ होती है सो इट वॉज़ फिल्ड विद टेक्निकल प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी इशूज़ तो इजी uh, डिसीजन नहीं था क्यों नहीं था बिकॉज उसमें बहुत सारे टेक्निकल प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी इशूज़ थे अमंग अदर अब यहाँ अदर अमंग जो है अमंग अमंग हम किसके साथ यूज़ करते हैं वी यूज़ इट विद अ प्लूरल नाम अब यहाँ अदर इज अदर इज सिंगुलर, बट अमंग क्योंकि यहाँ पे न्यूमरस इशूज़ टेक्निकल प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी इशूज़ अमंग अदर्स क्योंकि यहाँ लिस्ट है लिस्ट गिवन है डिफरेंट टाइप ऑफ इशूज़ की तो यहाँ पे और भी इशूज होंगे जो यहाँ पर नेम्ड नहीं हैं सो यहाँ अदर इज़ इनकरेक्ट इट शुड बी अमंग अमंग अदर्स ओके सो थर्ड इज इनकरेक्ट सो ओनली वन इज करेक्ट सो बी शुड बी आवर आंसर okay so uh, these were uh, some of some questions and i hope they will help you in, uh, in approaching these questions in the actual exam thank you